हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्फो हब में फिर एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आपने बॉडी लोशन तो बहुत यूज़ किए होंगे, लेकिन क्या आपने पतंजलि का नया बॉडी लोशन यूज़ किया है जिसका 100 ml सिर्फ 100 रुपये का है। पतंजलि के प्रोडक्ट्स बहुत इफ़ेक्टिव और सस्ते होते हैं, लेकिन इसके बहुत प्रोडक्ट्स हार्मफुल भी साबित हुए हैं। तो चलिए आज मैं आपको पतंजलि के सौंदर्य बॉडी लोशन के बारे में बताती हूँ कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि अगर आपको इस वीडियो या अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और हाँ, हेल्थ से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए इन्फो हब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब मैं लोशन के बारे में बताती हूँ जिसका नाम सौंदर्य बॉडी लोशन है और इसका मैन्युफैक्चरर पतंजलि है। इसकी पैकिंग को आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर के बॉटल पैक में है जिसके टॉप पे फ्लिप ओपन कैप लगा है। ये छोटे साइज में है जिसके लिए आप इसे इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड है वो मिल्की वाइट कलर का है और बहुत सॉफ्ट है और इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। ये आसानी से स्किन पर फैल जाता है, चिपचिपा बिल्कुल नहीं है और ये अच्छे से स्किन में चला जाता है जिससे स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और 6 से 8 घंटे आराम से स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको इसके कुछ ही देर बाद दोबारा लगाना पड़ेगा, ये आपकी स्किन को ज़्यादा देर तक हाइड्रेट नहीं कर सकती। इसके कंटेंट के बारे में बात करें, मतलब ये किस किस चीज़ से मिलकर बनाया गया है, तो इसे एलोवेरा, केसर, आमंड ऑयल मतलब बादाम के तेल, गेहूं के तेल, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, खीरा और हल्दी को मिलाकर बनाया गया है। अब मैं आपको कुछ इसके अच्छे और बुरे पॉइंट्स बताती हूँ जिससे मैं आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जैसे कि ये आपकी स्किन को ज़्यादा देर तक मॉइस्चराइज रखती है, ये चिपचिपी फील नहीं करती है और इसके आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, ये नॉर्मल और थोड़े ड्राई स्किन के लिए सूटेबल है। इसे मैन वुमेन कोई भी लगा सकता है और ज़्यादा महंगे भी नहीं है। इसके कुछ बुरे पॉइंट्स पे आते हैं तो सबसे पहले ये बिना SPF के आती है, मतलब ये आपको धूप से प्रोटेक्शन नहीं देगी। इसको आपको इसके लिए कोई SPF वाली क्रीम लगानी पड़ेगी। और दूसरे पॉइंट्स ये है कि ये ज़्यादा ड्राई स्किन वालों के लिए सूटेबल नहीं है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा ये आपके लिए सही है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। मैंने हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत से वीडियो दिए हैं, उन्हें आप देखने के लिए इन्फो हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको घर पे ही मॉइस्चराइज़र बनाना है जो कि हानिकारक ना हो और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, तो आप मेरे घर में ही बने होममेड मॉइस्चराइज़र की वीडियो ज़रूर देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और ऐसी और भी वीडियो के लिए इन्फो हब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ हेल्दी डे।